नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और इस समय आप मेरे चैनल फोटो क्रिएशन को देख रहे हैं। वीडियो ट्यूटोरियल के इस अंक में आप स्टैंडर्ड इरेजर और मैजिक इरेजर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं फोटोशॉप के स्क्रीन की ओर। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इरेजर टूल के बारे में जानेंगे। जब आप फोटोशॉप में कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ओरिजिनल इमेज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे समय में हम इरेजर टूल का उपयोग कर उन्हें हटा देते हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसलिए बहुत से फोटोग्राफर वाइट, ग्रे या ग्रीन बैकग्राउंड का उपयोग करते हैं, जिससे किसी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को आसानी से इरेज किया जा सके। इरेजर का उपयोग आपने स्कूल के दिनों में ज़रूर किया होगा। यह टूल उसी की तरह काम करता है और किसी चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स से इसकी सहायता से आप इरेज कर सकते हैं, ठीक उसी इरेजर की तरह। टूल बार में इरेजर टूल पर क्लिक करें, आपके सामने एक फ्लाई आउट मीनू खुलेगा। यहाँ आपको तीन तरह के इरेजर दिखेंगे, जनरल इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर और मैजिक इरेजर। आइए उनके बारे में एक एक कर जानकारी प्राप्त करें। अभी इरेजर टूल पर क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर लें। इरेजर मूलभूत रूप से एक ब्रश है, जिससे अगर आप अपने इमेज पर ड्रैग करेंगे तो वहाँ के पिक्सल को यह इरेज कर देगा। इसके गुण ब्रश टूल के समान ही होते हैं, इसलिए आपने अगर ब्रश टूल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। इससे आपको इस टूल को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। इरेजर टूल के टूल ऑप्शन बार में आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे, आइए उन पर एक नज़र डालें। इसके लिए मैंने पहले से ही एक ओल्ड लेडी की इमेज को खोल रखा है। यहाँ लेयर पैनल में आप देख रहे होंगे कि इस इमेज का बैकग्राउंड लेयर नीले रंग का है, पर यह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह इस लेडी के इमेज के नीचे छुपा हुआ है। जैसे ही मैं इस लेडी के इमेज के किसी भाग को इरेज करूँगा, आपको वहाँ यह नीला बैकग्राउंड दिखाई देगा। इरेजर के टूल ऑप्शन बार में आपको बहुत से प्रीसेट्स दिखाई देंगे। बाईं तरफ आपको ब्रश प्रीसेट दिखाई देगा। यहाँ आप इरेजर ब्रश के साइज, शेप और सॉफ्टनेस को अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। यही वह पैनल है जो ब्रश टूल में मिलता है। इस पैनल का पूरा विवरण आप ब्रश टूल के वीडियो में देख सकते हैं। आइए इनके कुछ मुख्य सेटिंग पर एक नज़र डालें। अभी मैं आपको सॉफ्ट और हार्ड ब्रश के मुख्य अंतर को दिखलाता हूँ। पहले मैं एक छोटा सॉफ्ट ब्रश यहाँ से ले रहा हूँ और इससे मैं बैकग्राउंड को इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इस ब्रश की हार्डनेस को 100% कर रहा हूँ और फिर इससे इरेज कर रहा हूँ। अब आप ही इन दोनों की तुलना करें। यह स्पष्ट है कि सॉफ्ट ब्रश बेटर रिजल्ट दे रहा है, जबकि हार्ड ब्रश से इरेज करने पर ऐसा लगता है कि किसी ने कैंची से इमेज को काटकर बैकग्राउंड पर चिपका दिया है, जिससे यह बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे रिजल्ट फोटोशॉप में नए काम करने वालों के वर्क में अक्सर देखने को मिलते हैं और यह हार्ड ब्रश के इस्तेमाल करने के कारण होता है। इसलिए हम जनरली सॉफ्ट ब्रश यूज करते हैं। जहां पर ऑब्जेक्ट्स के एज शार्प और क्रिस्प है, वहां हम हार्ड ब्रश भी यूज करते हैं। इसके बाद मोड में आपको तीन मोड्स मिलेंगे, ब्रश, पेंसिल एंड ब्लॉक। अभी आपने ब्रश से काम करने का तरीका देखा। पेंसिल सेलेक्ट करने पर आपको केवल हार्ड किनारे मिलेंगे और ब्लॉक में ब्रश का शेप वर्गाकार हो जाता है। हम जनरली ब्रश मोड का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको ओपेसिटी स्लाइडर मिलता है, जिससे आप इरेजर की ओपेसिटी को बदल सकते हैं। 100% ओपेसिटी पर इरेजर सभी पिक्सल्स को इरेज कर देता है और 0% पर इरेजर इरेज ही नहीं करता है। और इन दोनों के बीच में आप जितने परसेंट ओपेसिटी को चुनेंगे, ब्रश सब्जेक्ट को उतना ही कम या ज़्यादा इरेज करेगा। देखें, यहाँ मैं 100% ओपेसिटी पर इरेज कर रहा हूँ
और आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रोक में बैकग्राउंड इरेज हो गया है। अब मैं ओपेसिटी को घटा रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि इरेजर धीरे धीरे इरेज कर रहा है, जिससे मैं अपने हिसाब से अच्छे ढंग से इरेजर को कंट्रोल कर सकता हूं। इसके बाद आपको फ्लो का स्लाइडर मिलेगा। फ्लो यह निर्धारित करता है कि इरेजर कितनी तेजी से अप्लाई किया जा सकता है। लोअर सेटिंग में यह सुटल रिजल्ट देता है। एयरब्रश की सहायता से आप इरेजर का एयरब्रश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम मैजिक इरेजर टूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टूल बार में मैजिक इरेजर पर क्लिक करें और उसे एक्टिवेट कर लें। यह आपके द्वारा चुने गए टॉलरेंस के आधार पर क्लिक किए गए कलर को पूरी तस्वीर में से एक ही क्लिक में इरेज कर देता है। अब टूल बार में मैजिक इरेजर पर क्लिक करें और उसे एक्टिवेट कर लें। यह आपके द्वारा चुने गए टॉलरेंस के आधार पर क्लिक किए गए कलर को पूरी तस्वीर में एक ही क्लिक में इरेज कर देता है। इस टूल को यूज करने पर आपको केवल एक क्लिक करना पड़ता है, ब्रश को ड्रैग नहीं करना पड़ता है। इस टूल के ऑप्शन बार में भिन्न प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप इस टूल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टॉलरेंस बदलने का ऑप्शन मिलता है। टॉलरेंस यह निर्धारित करता है कि जिस कलर पर आपने क्लिक किया है उससे कम या अधिक कितने शेड्स को यह इरेज करेगा। आइए इरेजर को डिफरेंट टॉलरेंस पर इस्तेमाल करके देखते हैं। पहले मैं टॉलरेंस में 8 टाइप करता हूं और वाइट एरिया पर क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं कि इरेजर ने वाइट बैकग्राउंड के कुछ हिस्से को ही इरेज किया है। अब मैं टॉलरेंस में 15 टाइप कर फिर से क्लिक कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि इरेजर ने पहले की अपेक्षा ज़्यादा एरिया को इरेज किया है। और अंत में मैं इसके टॉलरेंस को 40 टाइप कर फिर से क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इरेजर ने लगभग पूरे बैकग्राउंड को एक ही क्लिक में इरेज कर दिया है। इसलिए इरेजर से काम लेते वक्त टॉलरेंस वैल्यू पर बहुत ही ध्यान दें। एंटी एलाइज ऑप्शन जिस एरिया को आप इरेज करते हैं उसके किनारे को स्मूथ करता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हरदम इसे सेलेक्ट करके रखें। इसके बाद आपको कंटिग्यूअस का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप सेलेक्ट कर लें या इसे डिसेलेक्ट कर दें। अगर आप कंटिग्यूअस को चुनते हैं तो इमेज में जिस कलर पर आप क्लिक करेंगे इरेजर उस कलर के जितने एरिया आपस में जुड़े हुए हैं उनको इरेज कर देगा। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो इरेजर इमेज में जहां भी वह कलर होगा उसे इरेज कर देगा। इसे दिखाने के लिए मैं पहले कंटिग्यूअस सेलेक्ट कर रहा हूं और वाइट एरिया पर क्लिक कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इरेजर ने कुछ वाइट एरिया को इरेज नहीं किया है, क्योंकि जहां मैंने क्लिक किया है उससे ये एरिया जुड़े हुए नहीं थे। अब मैं दूसरी बार कंटिग्यूअस को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और उसी स्थान पर क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने क्लिक किया वह कलर इमेज में जहाँ जहाँ भी था इरेजर ने उसे इरेज कर दिया है। इसलिए स्टूडियो में वाइट, ग्रे या ग्रीन कलर के बैकग्राउंड का उपयोग किया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एक क्लिक में ही इरेज किया जा सके। इसके बाद आपको ओपेसिटी स्लाइडर मिलता है। यह निर्धारित करता है कि जिस कलर पर आपने क्लिक किया है उसके कितने पिक्सल्स को यह इरेज करेगा। 100% पर यह उस कलर को पूरा इरेज कर देता है, पर अगर आप 50% पर क्लिक करेंगे तो इरेजर केवल 50% वाइट को ही इरेज करेगा, जिससे यह 50% ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब आप अपना फोटोशॉप खोलें और इस टूल की प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।